जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। तो कल जी माह रमज़ान का पहला दिन था और जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ हर बंदा यही बोल रहा था कि जो है ना वो गर्मी स्टार्ट हो गई है। बाकी आज माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बड़ी कमाल का मौसम बनाया। ये देखें जी, ज़रा छत सारी भिगी हुई है इस वक्त और बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, बड़ा कमाल का वेदर जी बना हुआ है। बाकी दूसरे नंबर पर जी एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि कल हमारी एक बैड लक हुई है और वो क्यों बैड लक हुई है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जरा जी। ये देखें, मैं छत के ऊपर इस वक्त पहुँच गया हूँ और ये जनाब जो है रात रह के आए हैं जी। ये देखें, खराब मौसम में आके बैठा माशाल्लाह से। कल इसको बैठ जाना चाहिए था क्योंकि इतनी देर हो गई है लाइटों में कबूतरों को निकाल रहे हैं, तो बहरहाल ये है उड़ाया नहीं रातों को, वैसे जो है ना खुद ब खुद जो उड़े बैठे, मतलब वो निज़ाम बनाया। तो एक ये था ऊपर रहता और एक ये रहा। वैसे आठ कबूतर हमारे मेरे ख्याल में छः थे जो कि रात के बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं और ये जनाब जो है ना ये रात को नहीं बैठ सका और सुबह अभी एक बजे का टाइम हो रहा है जी और जब आके बैठा है। ये कबूतर है जी जो हमने पकड़ा था शाम के वक्त, ठीक है, ये माशाल्लाह से रात के अंधेरे में बैठ गया था। ये देखे 12:34 हो गए हैं जी और ये बैठा है। और बैड लक क्या जी हुई थी वो आपको जरा मैं बताता हूँ जी। कल तीन दिन दोस्तों हो गए हैं जो कि एक हमारा बच्चा था वो हट गया था, ठीक है, और पता नहीं शायद लगड़ की वजह से हटा था या क्या मामला बने थे। बहरहाल कल जी वो बच्चा हमारा आया ऊपर और बैठ रहा था, कालू बच्चा जो मैंने आगे से शेयर किया हुआ था, और वो बैठ रहा था और बैठते बैठते मतलब काफ़ी रह गए थे, नीचे एक टावर रह गया था बस। और ये कबूतर जो है ना वो मैंने बाहर छोड़े हुए थे कल, क्योंकि आगे बच्चों को जो है ना मैंने उड़ाया था, बच्चे बैठ गए थे टाइम से ही मतलब कल, तो फिर मैंने बड़े कबूतरों को निकाल दिया था। और वजह यह बनी थी कि इनको बाहर छोड़ा हुआ था और जब हुआ टाइम मेरे ख्याल में 3 का था शायद, या इतने ही मतलब ऊपर नीचे टाइम था इतना, तो फिर जी वो जो है ना नीचे से बिड़ी पड़ी है और बिड़ी ने सारे कबूतर उड़ा लिए थे। 18 कबूतर मेरे कल उड़ गए थे और उनकी वजह से, उड़ने की वजह से वो बच्चा जो है ना वो मतलब ऐसा डरा, फिर वो बच्चा सीधा इस साइड में गया और बच्चे की हालत इस कदर ख़राब हो गई थी मैं आपको क्या बताऊं। बच्चा जो है ना बिल्कुल लूज हो गया, एंड हो गया था बच्चे का। और वो बच्चा कालू था हमारा, ठीक है, और वो जो कि बच्चे को पहले शार्टिंग थी और पहले नंबर पे मैं तो बड़ा खुश था कि यार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो है ना वो बच्चा बैठ रहा है। तो बस जी कल ये मसला बना हमारे साथ तो बच्चा नहीं बैठ सका। तो बहरहाल इसको अब जो है ना हम अंदर करते हैं। ये देखें, यहाँ से ऊपर उठा लिया हमने इसको जी और अब इसको हल्का सा डराते हैं इस साइड से होके। चल शहजादे अंदर को, चल 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 चल, ये जा तो रहा है जी। चल चल, ज़रा मैं दोस्तों अकेला हूँ और साथ में वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ना तंग हो रहा हूँ। बाकी कोई नहीं, इसको मैं ऐसे करके ज़रा ना पकड़ता हूँ, ये देखें, यहाँ से डराता हूँ थोड़ा सा इसको मैं। चल शहजादे, अब उड़ना जाना कहीं। चल यार आजा, सुबह का सामने आ गया था ये, बाकी बस बैठ नहीं पा रहा था घर, तो अभी जो है ना वो बैठा है, तो मैंने सोचा चले जो है ना आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे को है यार, इधर आके तक गया जी, आगे हो गया यार थोड़ा सा, यहीं से गिरा दूँ इसको मैं। ये देखें, चलो यहीं से जो है ना वो अंदर आ गया। ये देखें जी, अच्छा जी ये वो पट्ठा है जो उस्ताद खालसा साहब की तरफ से मैंने कबूतर लाए थे, ये उनमें से है माशाल्लाह से। और वैसे कल यार इसको बैठ जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए हैं रातों का मैं कबूतरों को चला रहा हूँ, लगा रहा हूँ कि ताकि जो है ना वो कबूतर रात के मास्टर हो जाएं, फिर भी जो है ना ये नहीं मतलब रात को बैठा। ये देखिए इसकी हालत देखिए क्या हो रही है बेचारे की, अभी कच्चे हैं ना कबूतर, पहले पहले मैं इनको उड़ाता रहा, मैंने लगा लिए हैं सारे कबूतर, ये माशाल्लाह से ये भी लग गया अब सारे, शाम शाम उड़ाए ये पहले और कच्चे परों भी माशाल्लाह शाम कर गया था ये वाला पट्टा। तो अब जो है कल काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 10 दिन के बाद मैंने कल जो है ना फिर इनको निकाला, क्योंकि इस साइड में मैंने शिफ्ट किए हुए हैं ना ये कबूतर, ये दूसरे नर अलहदा किए हुए हैं ना, तो इन नरों को फिर बस मैंने जो है ना कल निकाला था और इसी वजह से, ताकि जो है ना वो फिर मादियों को छोड़ें, थोड़ा सा मतलब करते रहें, थोड़ा सा खुशी मनाएँ, झूमे फिरे, आज़ादी मतलब मनाएँ, क्योंकि ये है कि इनका जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है आगे बाजी के लिए। इस तरह से अगर मादियों के पीछे लगे रहे तो फिर जो है ना वो काम ख़राब करेंगे।
और मादियाँ अंडों पे आ जाएंगी। और यह इस खुडे का ख़ास तौर पे जो है ना मैंने इनको छोड़ा था ताकि इसके अंदर आएँ बाहर आएँ ताकि इनको पता चले कि इस खुडे में ही हमने जो है ना अभी रहना। कुछ कल जो है ना पूरा मना रहे थे, इस साइड में जा रहे थे, बाकी ये है कि मादियों की वजह से तो ऐसा ऐसा से फिर जो है ना वो सारा छोड़ देंगे। वैसे कल मैंने इनको उड़ाया नहीं था, बस कल निकाल के छोड़ दिया, खुद ब खुद ही दो उड़े, चार उड़े, पाँच उड़े, मतलब कल सारा दिन इसी तरह से उड़ते रहे और बैठते रहे। और जब रात को उड़े थे ना फिर थोड़ा सा बैड लक हुई थी, तो अभी भी इस बेचारे की कंडीशन देखें ज़रा, ये देखें जी ये जनाब बैठे हुए हैं, ये देखे गुमसुम हो गया जी, ये देखे। दरअसल मौसम भी बड़ा ख़राब आज हो गया ना दोस्तों। और अच्छा जी एक और बात, अक्सर बार मेरे साथ इसी तरह के मामलात बनते हैं जी, जब मेरा को कबूतर रात रह जाता है ना तो उस वक्त आके दूसरे दिन जो कबूतर ने वापस आना होता है तो मौसम इस तरह का हो जाता है। पता नहीं क्या मसला है, मतलब अल्लाह की देखे करनी कि इस तरह जो है ना मतलब हो रहा है। अब कितनी मरतबा मेरे कबूतर जो है ना इस सीज़न में रात रहे हैं और सुबह इस तरह का मौसम बन गया जी। फिर कुछ आ भी जाते हैं, कुछ भी नहीं भी आ पाते, क्योंकि अभी तो मौसम फिर भी जो है ना वो क्लियर थोड़ा सा हो गया, क्योंकि ये बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़ी हैं। इस वजह से सुबह से ऐसी कौली घटाए, बादल इतने ज़्यादा थे कि कोई चीज़ मतलब नहीं नजर आ रही थी, धुंधला सा मौसम जो है ना सुबह का बना हुआ था। तो इस कबूतर का पता नहीं चल रहा था, इतनी हाइट में था कि ये कौन सा है, मतलब हमारा है या कोई और है। जब बिल्कुल नीचे आया बैठने पे फिर पता चला था इसका। तो खैर दोस्तों ये था जी हमारा कबूतर जो कि वापस आ गया हल्की घड़ी, और रोज़े रोज़े जी रख रहे हैं, और उम्मीद है सारे भाई ज़रूर रोज़े रख रहे होंगे, नमाज सबक पढ़े जी। ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है, इसमें गुनाहों की जो है ना बख्शिश करवा लें जिन बंदों ने करवानी है जी, क्योंकि ये एक साल के बाद जो है ना फिर मैं रमज़ान जी आना है, तो इसलिए। तो बाकी जी ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, इस पटेखे वाले से बताइएगा कैसा लगा आपको। आदमी पकड़ के तो मैंने नहीं शो करवाया, इसी तरह से करवाया क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी उस तरह की हो रही है। अभी थोड़ा सा ज़रा खुडे में जाए, ज़रा रिलैक्स करे, तो फिर सही कहा इसको मैं खुडे में कार ही देता हूँ ताकि जो है ना वो भीग रहा है बाहर से, इसको खुडे के अंदर कार देता हूँ। चल शहजादे आ ज़रा नीचे, ज़रा इस साइड में थोड़ा सा ऐसा ऐसा से होंगे ना सेट, ये कबूतर सारे, ये देखें जी, ये माशाल्लाह से लाल आंख है जी, ये देखें माशाल्लाह से लाल आंख है, और नीचे से जोर भी लगा गया, ये देखें। चल शहजादे अंदर हो जा, ये गया जी, ठीक हो गया। ये शार्केट है, कल बड़ा काम करा गया, शार का नीचे नीचे उड़ता रहता था, ये गुज्जर जो है ये नीचे नीचे उड़ता रहता था, और ये शाम को रात के अंधेरे में बैठा है, और इसके साथ एक टैडी है, वो भी उस्ताद खालसा साहब की तरफ से आया था, ये वाला ये है टैडी जी, ये भी जनाब इसके साथ लगा रहा है, और ये दोनों जो है ना वो मतलब बैठी नहीं, तो इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया था। तो बाकी कोई नहीं दोस्तों, इसी तरह के मामला चल रहे हैं, इनको अभी नहीं उड़ा रहा मैं, इनको पहले पहले ट्रेन किया थोड़ा सा, उड़ाते रहे हैं। ये चपड़े को भी अभी भी बांधा हुआ है ताकि अभी मौसम नहीं है इस चपड़े वाले, ये चपड़ा जो हमने पकड़ा था ना ये भी मच लें और साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ये देखें ये वाला, अभी इसके वाला मौसम नहीं है जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह से ये भी बटा। बाकी चलें इसके चक्कर में हमने जाना वो उन दिनों में कितने चार कबूतरों का नुकसान किया था जब इसको पकड़ा था, और चार कबूतर जाना हमारे दो बच्चे और दो बड़े जाना रात रह गए थे, बस वही बैड लक जो है ना वही हमें आज तक जो है ना वो मतलब याद आ रही है कि वारा पकड़ने के चक्कर में इस तरह काम बना था। तो अब कबूतर बाहर छोड़े हो, वारा पकड़ने के लिए ना कोई छेड़ करवाता हूँ मैं, ना कोई कुछ करता हूँ, खुद ब खुद ही बैठे आराम से अंदर कर लेंगे, बस ये काम करना है वारा पकड़ने के चक्कर में, अपना नहीं कोई गुमाना जी। तो खैर दोस्तों मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपने बैग दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।